राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं प्रियंका। पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता कौशलेंद्र पराशर ने राजकीय तिब्बी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर तनवीर आलम से खास बातचीत की, जिसमें डॉक्टर तनवीर आलम ने IIM विवाद पर खास बातचीत की और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि IIM और आयुष साथ में मिलकर देश हित के लिए भी काम कर सकते हैं। देखिए जहाँ भी ड्यूटी इनको दे रही है, लोग काम कर रहे हैं। RBSK के हमारे डॉक्टर हों या फिर हमारे NRHM के थ्रू डॉक्टर हों या जो परमानेंट पहले से डॉक्टर हों, वो सब मेन स्ट्रीम में मिलकर जहाँ भी उनको गारमेंट लाइक कर रहे हैं। और हम अब भी उम्मीद करते हैं कि आयुष हमेशा खड़ा रहा। इवन के अभी जो दूसरा वेव जो आया उसके बाद सरकार ने तैयारी की, तो हमारे जितने इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट के, जैसे आपको गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज हो गया, इन सबको भी तैयार रखा गया स्टैंड बाय पे। अगर स्थिति और भयावह होती तो यहाँ भी हम आइसोलेशन सेंटर्स दवाएं, तो काढ़ा तो हमारा भी लाखों काढ़ा आयुष समिति की तरफ से लोगों को बांटा गया प्रिवेंशन के तौर पे, कि लोगों को बचाया जा सके। हमारी विधि जो है लोगों में गई, केंद्र सरकार के बहुत सारे हमारे पास शेड्यूल आई, किस तरह से घर पे रह के आप पपारा ले लें, किस तरह से आप जो है वो हर्बल टी लें, किस तरह से आयुष काढ़ा लें, या फिर आयुष की जो दवाएँ हमारी इम्यूनिटी बूस्टर की सारी दवाएँ आयुष में ही, ज़्यादातर आपको यूनानी में आयुर्वेदा में की दवाएँ मिलेंगी। अभी भी मेरी लोगों से अपील है कि हालांकि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ ये, और इसी वजह से नाइट कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग सरकार का साथ दें। कुछ दिनों की बात है, अगर इसको हल्के में लेंगे तो फिर उसी हिसाब से लंबा होता चला जाएगा, फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तीसरा वेव आएगा, जो पहले से प्रिडक्शन है एपिडेमोलॉजिस्ट का, जो कहना है कि ये कम से कम 3 वेव आएगा, जो अनुमानता ये बात हो रही है, जो भविष्य में हमने पहले जो भूतकाल में हमने देखे हैं कि इस तरह से जो पहले भी पेंडेमिक आया, स्पेनिश फ्लू आया, तो वो भी 2 से 3 साल तक हंट किया। तो मेरा सबसे ये कहना है कि आप लोग छूट मिली तो इसका मतलब सेलिब्रेट ना करें, मास्क का प्रयोग करें, थोड़ी सी दूरी बना के रखें, दूसरे से मिलने जुलने में ना ज़रूरत हो तो ना जाएं, घर बैठें, फैमिली में टाइम दें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपके माध्यम से, कंट्री साइड के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबको, और ये हेल्थ सिस्टम को खास करके, इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला और बहुत जल्दी हम अग्रिम राज्यों में होंगे जहाँ सबसे कम केस आएगा। सर, एक बात बहुत आपसे समझना चाहते हैं सर, कि अभी थोड़े समय पहले IIM और आयुष का विवाद आया, जिसमें रामदेव जी पर बहुत तरह के आरोप लगे, आयुष पे बहुत आरोप लगे, MBBS के डॉक्टर लगातार विरोध कर रहे थे आयुष चिकित्सकों का। इस पर आप सर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कंट्री इनसाइड के माध्यम से IIM को? देखिए, IIM की बहुत तारीफ है इस मामले में कि भारत की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको संभाले रखने में, साइंटिफिक टेम्पर को मेंटेन करने में, और इस दौरान जबकि बहुत ज़रूरत थी, तो हम इससे इनकार नहीं करते हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन और दीगर जो पेशेंट का लोड है उसमें उनका बड़ा रोल रहा है, वो संभाले, बैकबोन है हमारी कंट्री के हर जगह। वजह ये भी है कि एक तो वो ज़्यादा है, उनके इंस्टीट्यूशन है, उनके पास शोध के बहुत तरीके हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत बड़ा लैब है, R&D बड़ा डिपार्टमेंट है उनका, इससे कोई इनकार नहीं है, ठीक है, उन्होंने संभाल रखा, उससे विवाद ना जाके मैं जो एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। लेकिन ये बात भी सत्य है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे डिजीज बढ़ता जा रहा है, हर कोई बीमार है, WHO ने भी कहा कि ना कि सिर्फ हम ड्रग रेसिस्टेंट, जिसमें कुछ सवाल उठा IIM, उस विवाद से अलग मैं बात करता हूँ, आज ड्रग रेसिस्टेंट से होने वाली मौतें बहुत हैं, ये खुद ये अच्छी बात है कि उनकी दवाओं पे साइड इफेक्ट लेके रहते हैं, केमिकल बेस्ड चूँकि हम दवा इस्तेमाल करते हैं उसका एक सेट साइड इफेक्ट होता है हर केमिकल का, जो हर्बल आप लेते हैं उसका साइड इफेक्ट ना होता अगर कंट्रोल में मिल रहे हैं तब, हर्बल में भी कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आप बियॉन्ड लिमिट ले लें तो उसकी भी साइड इफेक्ट होगा, लेकिन इस विवाद में ना पड़ के, वो बड़ा हिस्सा है, उनका बजट भी ज़्यादा है, 95 से 97% बजट उनका है, तो उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, तो विवाद में ना पड़ के हम दोनों को कहना चाहेंगे विवाद में ना पड़े, हम अपना अपना काम करें। और एक पैथी जो आयुष है जिसका बजट भी बहुत कम है, 5% बजट, ठीक है, उसमें भी 4-5 यूनानी आयुर्वेदा योगा सिद्धा अलग है, फिर सोवा रिग्पा भी आ गया, तो ये तो यही होगा कि उनको अभी मौके नहीं मिले, हम तो बड़े भाई की तरह उनको देखते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन से जो साइंटिफिक टेम्पर है मिलके काम करते हैं, आयुष के हर संस्थानों में जो रिसर्च होता है वो कोलेबोरेशन में होता है मॉडर्न के साथ, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो बिना विवाद में पड़े हुए अपना अपना काम करें। हमारे यहाँ जो बहुत सारे लीड्स हैं, जो हमारे यहाँ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स हैं, हम तो
दावत देते हैं कि वो लोग ना कि सिर्फ कोलैबोरेशन में वो डायरेक्ट उस पर काम करें। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा तो दोनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से मिलकर रिसर्च वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है। और वो प्रोडक्ट ना कि सिर्फ आयुष को और एलोपैथी को दे, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, अगर बात उठी है तो हम लोग कोलैबोरेट होकर काम करें, ठीक है। और कोई भी पद्धति, ये मॉडर्न मेडिसिन जो आप देख रहे हैं, जिस रूप में आप देख रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं कि सब दिन से ऐसा ही था, 100-150 साल से इनके अंदर इतनी चीज़ें आई। उससे पहले जो पद्धति आयुर्वेदा 5000 साल क्लेम करता है, आपको इजिप्शियन मेडिसिन है जो मेसोपोटामियन मेडिसिन 6000 क्लेम करता है, चाइनीज 3000 BC क्लेम करता है कि तब से हम हैं, तो उन्हीं के बेस पे ये आगे गया। इसमें थोड़ा सा इन्होंने अपने जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल है वो चेंज कर दिए, इन्होंने दवाएं जो है केमिकल बेस्ड बना ली, इमरजेंसी ड्रग्स में ये बहुत आगे निकल गए, ठीक है। तो इन सबको एक जगह, यही तो ब्यूटी है इंडिया की कि एक छत के नीचे हम सारी चीज़ देना चाहते हैं। भारत सरकार का जो हेल्थ का जो सिस्टम है वो दुनिया में इसलिए यूनिक है कि सरकार का एम है कि हम एक छत के नीचे सारी सुविधाएं दें और पेशेंट का खुद का विकल्प हो कि वो क्या लेना चाहेंगे। तो आपस में झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबके अपने इंपॉर्टेंस हैं। आई में बड़ा भाई है, सही बात है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे एलोपैथी सिस्टम को, तो इसको कोई विवाद ही नहीं है। अगर एक आध दो जगह बोलते हुए कोई बात निकल जाती है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। बड़ी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी ये भी है कि चीज़ों को इग्नोर करके आगे निकले। और हम लोग सब मिलकर, खास कर इस महामारी के दौर में तो हम लोग वक्त ही नहीं है इसमें पढ़ने का, सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि जितने लोग सफ़र कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी उस तक सुविधाएँ पहुँचाएँ। गाँव में सुविधाएँ नहीं है, वहाँ जाके हम पहुँचाएँ और सरकार का सपोर्ट करें। अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो इसका मतलब सरकार को हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारा आधा हिस्सा डिफेंस में चला जा रहा है, मतलब कि एक दूसरे से वाद विवाद में चला जाएगा। तो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, झगड़ा ना करके हम लोग दोनों जो महत्व है हमारा उसको हम अपनी तरफ से निर्वहन करें उसका। आप सुन रहे थे बिहार के प्रसिद्ध चिकित्सक और राजकीय तिब्बी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर तनवीर आलम को। इन्होंने एक शब्द में IMA को बड़ा भाई माना और IMA से अपील किया कि आप कोलैबोरेट कर आयुष के साथ काम करें। आयुष 5000 साल पुरानी पैथी है, आप 150 साल पुराने पैथी हैं, आपके पास साइंस ज़्यादा है, आपके पास शोध केंद्र ज़्यादा है। आज 100 वर्ष बाद इस महामारी के समय आपने मानवता बचाने में बहुत बड़ा भाई का रोल निभाया है, आप हमेशा बड़े भाई रहेंगे। आयुष का 5% सरकार केंद्र खर्च करती है, मात्र 5% नरेंद्र मोदी सरकार में 5% खर्च किया जा रहा है आयुष पे। इसको सरकार से भी इन्होंने अपील किया कि इस पे रिसर्च पे पैसा बढ़ाने की ज़रूरत है और IMA को आयुष विवाद को ख़त्म करते हुए अपने आप को बड़ा भाई मानते हुए एक दो जगह से अगर गलत चीज़ें निकलती है उसको समाप्त करने की ज़रूरत है और दोनों मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। हमारे बड़े सहयोगी रूपेश कुमार के साथ कौशलेंद्र पटना से।